हेलो दोस्तों, हॉलीडेज में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज बात करूंगा रेगिस्तान के एक ऐसे कुएं की जिसे मौत का कुआं भी कहा जाता है। अगर जो कोई भी प्रकृति से छेड़छाड़ करेगा तो वो कुआं उसे कुछ क्षण में ही समा जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो चलते हैं स्टोरी की ओर। आप अपने अपने हेडफोन लगा लीजिए और हाँ, आप हमारी वीडियो को लाइक या कमेंट ज़रूर करें। इससे हमको मोटिवेशन मिलती है और न्यू न्यू कहानी लाने का जुनून मिलता है। तो चलते हैं स्टोरी की ओर। यह भूतिया कुनी कहानी रेगिस्तान के एक मौत के कुएं की है, जहां केवल पानी की एक बूंद की तलाश में कई जिंदा इंसान दफन हो गए। दरअसल शहर से कई किलोमीटर दूर एक वीरान रेगिस्तान था। रेगिस्तान के आसपास कुछ ऐसे रहस्यमय जगह थी जहां खनिज पाए जाने के संकेत मिले थे, जिसकी लालच में कई लोग उस रेगिस्तान में जाने की कोशिश करते थे और रेगिस्तान की रेत में कई खो जाते थे। हालांकि कुछ लोगों का अनुभव वहां से वापस आने का भी था, लेकिन वह रेगिस्तान के ज़्यादा अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाए थे, इसलिए उनकी किस्मत अच्छी थी। ऐसी ही एक व्यक्ति जिसका नाम कृपाल सिंह था। दरअसल वह ऊँट से रेत के रास्ते सामान ढोने का काम करता था। एक दिन गलती से वह भटक कर मौत के रेगिस्तान के करीब पहुंच जाता है, लेकिन उसका ऊँट आगे नहीं बढ़ता और वहां से वापस लौट आता है। कृपाल सिंह ने भूतिया रेगिस्तान की खूनी हलचल महसूस की थी। उसे समझ में आ गया था कि यदि उसका ऊँट उस जगह से उल्टे पांव भागा है तो जरूर वहां कोई खूनी रहस्य छुपा है। रेगिस्तान में एक सोलर प्लांट लगने वाला था, जिसके लिए उसे रहस्यमय रेगिस्तान से सर्वे टीम रिसर्च करने पहुंचती है जिसके लिए उसी रहस्यमय रेगिस्तान में सर्वे टीम रिसर्च करने पहुंचती है। रिसर्च टीम को पता लगाना था कि रेगिस्तान के किस हिस्से में सबसे ज़्यादा तेज सूरज की रोशनी आती है, क्योंकि उसी के कारणों की मदद से विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। रिसर्च टीम स्पेशल गाड़ी से रेगिस्तान में पेट्रोलिंग करने लगती है। रेत में गाड़ी की गति कम होती है, इसलिए वह धीरे धीरे ही रेगिस्तान का तापमान नापते हुए बढ़ते जाते हैं, लेकिन अचानक वह उसी मौत के कुएं के करीब पहुंच जाते हैं जहां से कोई वापस नहीं आ सका। गाड़ी मौत के कुएं की रेत से फिसलने लगती है। गाड़ी का ड्राइवर ब्रेक लगाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुएं की ढलान की वजह से वह संतुलन खो देता है और गाड़ी मौत के कुएं में समा जाती है और हजारों टन रेत गाड़ी को दबा देती है। यहाँ कंपनी को सूचना मिलती है कि उनकी गाड़ी का कोई पता नहीं चल रहा है। कंपनी के अधिकारी सैटेलाइट पिक्चर मंगवाते हैं ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके, लेकिन ताज्जुब की बात है कि एक वक्त के बाद सैटेलाइट पिक्चर में भी उनकी गाड़ी नज़र नहीं आती। रेगिस्तान का रहस्य खुलने की बजाय उलझता जा रहा था। कंपनी के बहुत से पैसे उस प्रोजेक्ट में लगे थे, इसलिए उन्हें किसी भी हालत में सर्वे पूरा करना था। कंपनी के अधिकारियों को पता चलता है कि कृपाल सिंह नाम का एक व्यक्ति उसी सैटेलाइट पॉइंट से आगे तक जा चुका है, जिसके सबूत वीडियो में हैं। अधिकारी अपनी टीम के साथ कृपाल सिंह के घर पहुंचते हैं। कृपाल सिंह घर में खाना बना रहा होता है और अधिकारियों को दरवाजे पर देखते ही पूछता है कि आपको किससे मिलना है। अधिकारी उसे उसी के नाम से संबोधित करते हुए हाथ बढ़ाते हैं। कृपाल सिंह सभी को बैठने को कहता है और जब उसे पूरी बात पता चलती है तो वह उन्हें मना करने लगता है। वह उन्हें बताते हैं कि वहाँ कोई रहस्यमय शक्ति है जो मुझे महसूस हुई है, आप अपना काम रोक दीजिए। लेकिन कंपनी के अधिकारी कृपाल सिंह को मोटी रकम की लालच देते हैं और उसे अपनी रिसर्च टीम का हिस्सा बना लेते हैं। कृपाल सिंह काफ़ी समय से बेरोजगार था और उसके सर पे कई लोगों का उधार भी था, इसलिए मजबूरी में उस रिसर्च टीम का हिस्सा बनना पड़ता है। वह ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन वह रेत का बादशाह था। उस रेगिस्तान में कृपाल सिंह से ज़्यादा कोई नहीं गया था, इसलिए उसे कुछ लोग रेगिस्तान का जहाज भी कहते थे। दोबारा से रिसर्च टीम उसी दिशा में गाड़ी को आगे बढ़ाती है, लेकिन कृपाल सिंह गाड़ी के आगे आगे ऊँट से चलता है। उसे पूरा यकीन है कि खतरा समझ में आते ही उसका ऊँट उसे आगाह कर देगा। इस बार कृपाल सिंह काफ़ी आगे तक बढ़ जाता है, लेकिन ऊँट कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। कृपाल सिंह को संदेह होने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे कि इस बार ऊँट को पता ही ना चल रहा हो कि आगे खतरा है। कृपाल सिंह के पीछे रिसर्च टीम की गाड़ी बढ़ रही होती है। अचानक गाड़ी की गति तेज होने लगती है और वह फिसलते हुए कृपाल सिंह के बगल से आगे निकल जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि गाड़ी की गति अपने आप तेज कैसे हो रही है। धीरे धीरे उनकी गाड़ी कुएं की रेत में चली जाती है। कृपाल सिंह घबरा जाता है और जोर जोर से उन्हें आवाज लगाता है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आती कि वह सुरक्षित है या नहीं। लेकिन उसके आजू बाजू की रेत फिसल कर
कुएं में जा रही है। वह अपने ऊंट को पीछे मोड़ कर वापस आ जाता है। और जब कंपनी के सभी लोगों को यह पता चलता है कि उनका भी कुछ अता पता नहीं, तो वह इस बात को गंभीरता से समझते हैं और अपना कार्य रोक देते हैं। सभी उसे मौत का कुआं जॉन घोषित करते हैं। दरअसल वह कुआं रेगिस्तान का रक्षक है, जो रेगिस्तान में रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा करता है और वहाँ किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होने देता। कुएं से अनसुलझे रहस्य के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।